रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी साइको परीक्षा का क्लास नंबर 11 में हम पहुंच चुके हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि बाकी वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट के रूप में आप देख सकते हैं एक साथ जितनी वीडियो है। तो यहाँ पे बात करेंगे रेलवे रूट और स्टेशन कोड का। तो इससे पहले हमने एक आसान सा जिसमें 5-6 कोड का बताया था, और ये फुल टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, और 20 प्रश्न के लिए हम एक मेट्रो नेटवर्क का लेंगे जिसमें स्टेशन का कोड आपको पता ही है, तो मेमोरी टेस्ट इसका कहते हैं। और मेमोरी टेस्ट डिफरेंट 5 प्रकार का होता है, उसमें ये दूसरा प्रकार का टेस्ट है। तो यहाँ कहेंगे यूज ट्रिक्स ऑन योर इंक्रीज मेमोरी। कुछ लोग कहते हैं कि मेमोरी कैसे इंक्रीज होगा, तो देखिए मेमोरी बाई बर्थ होता है हर आदमी का अपना, लेकिन सोचने की तरीका कुछ प्रयोग द्वारा, कुछ प्रैक्टिस द्वारा, धीरे धीरे एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट करके अपने मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे आपको याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। यही हेल्प करेगा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की सफलता में, सक्सेस में। जब तक आप सोचेंगे कि एक बार मैंने किसी फिगर को देखा और उसमें से 10-12 याद कर लूँ, 15 याद कर लूँ, तो ये कठिन है, थोड़ा सा इलॉजिकल भी है और टेक्निकली करेक्ट भी नहीं है। अगर आप पहली बार में 5 से 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते अगर एक एक बार में एक एक दो दो अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और इस टाइप के मेमोरी टेस्ट को इंक्रीज मेमोरी कह सकते हैं, और ट्रिक्स में भी आपको हेल्प मिलेगा, और फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा वो सक्सेसफुल की तरफ बढ़ेगा। तो कई लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सर कुछ नहीं पता था लेकिन 10% इंक्रीज हो रहा है, 20%। कुछ लोग कह रहे हैं मैं करेक्ट कर जाऊंगा। दोस्त ऐसे ही होता है कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के आप किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर अभी 20% कर दिए, अभी आपको 15-20 दिन और टाइम मिल जाएगा, तो ये सफलता आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो चलिए इसको टेक्निकली टर्म में एक एक बात करते हैं कैसे होता है इस टेस्ट को। तो इस टेस्ट में आप देखें, ये मेट्रो रेल नेटवर्क का एक है जिसको कोड स्टेशन कोड के रूप में लिखा हुआ है। तो इस टेस्ट को आपको बढ़िया से देखना है, यही है आपका इस वीडियो का प्रश्न। तो प्रश्न में आप देखेंगे तो इसको समझिए, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये स्टेशन कोड दिया हुआ है, जिसको स्टेशन कोड में दिया हुआ है, ये जब आप एंसर आकृति में जाएंगे, ये प्रश्न आकृति है, 2 मिनट तक इसको बढ़िया से देखना है। लेकिन जहाँ पे आप इस प्रश्न को देख रहे हैं स्टेशन कोड को, जब आप एंसर शीट में जाएंगे तो ये ए बी सी डी में ऑप्शन में चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये स्थान आपको हट जाएगा। इसके स्थान पे क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे ZTS ऐसा कुछ कोड लिखा होगा, इसको बताना है कि कौन से स्थान पे है, ए बी सी डी, बस यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को आपको करना है। लेकिन इसमें ट्रिक्स क्या है, मैंने आपको थंबनेल में बताया कि इसका ट्रिक्स होता है कैसे याद करना। तो देखिए इस टाइप के टेस्ट में 2 टाइप के ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। पहला ट्रिक से अपना सकते हैं जो मेन जंक्शन है उसको याद कर लें, तो जैसे ये जंक्शन है, लेकिन इस पॉइंट में मेट्रो नेटवर्क का नेटवर्क है, जंक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको याद करने में आप कंफ्यूज खुद हो जाएंगे। तो ऐसा हम करें कि किसी एक पोर्शन को याद करें, जिससे हम मिनिमम 10 प्रश्न और 12 प्रश्न याद करें, जो हमारा 42% आपको नंबर दिला दे। तो देखिए इसमें आपको जंक्शन को कम, बाहर वाले पार्ट को ज़्यादा याद करना है। पिछली वीडियो में मैंने जंक्शन बताया था क्योंकि वहाँ जंक्शन 4 या 5 थे, यहाँ जंक्शन की संख्या ज़्यादा है, तो हम बाहर वाले पार्ट को पहले याद कर ले, एक नीचे की तरफ है। तो 5 प्रश्न आपके पास यहाँ से बन जाएंगे, ध्यान दे के सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। तो सबसे पहले आप इस पार्ट को देखेंगे, हम जब शुरू होंगे तो ये हम सारे पार्ट को याद रखेंगे। देखिए यहाँ से शुरू, नीचे से शुरू होके ऊपर तक वाले साइड का जो टर्मिनल के बाहर है उस पॉइंट को याद कर लें। तो शुरुआत किया जाए यहाँ से 2 मिनट, तो चलिए याद करते हैं आपके साथ। पहला YLD SHO, लास्ट में IL क्या है, ITP, और इधर UDB, ये कितने हैं पॉइंट, 4। 4 पॉइंट हमने याद कर लिया, तो इसको कोड में आप कन्वर्ट कर लो। पहला Y है, दूसरा S है, नीचे T है, I है, देख लें तो YSIU, और इसका रेंज कैसे है,
देख ले आप, ऊपर से नीचे आएंगे और लास्ट तक जाएंगे। एक कोड हमारे पास ये तैयार हो गया जिससे चार प्रश्न हम कर लेंगे। जब प्रश्न में जाएंगे तो ये चारों पॉइंट को सबसे पहले हम ढूंढेंगे, कौन से, YLD, SHO, ITO और UDV, ये चारों पॉइंट को हम ढूंढेंगे। अब चार पॉइंट हमारे पास याद हो गया, अब हम तीन पॉइंट, एक ऐसा यहाँ दिख रहा है जो एक जैसा बिल्कुल सिमिलर है, इस पॉइंट को आप देख लें। तीनों पॉइंट को याद कर सकते हैं क्या, PGQT, तो GQP और सब में TO है, दोनों के साथ TO लगा हुआ है, तो इसको आप याद कर ले। कलर मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, इसे याद करना है GQ और P, और सीक्वेंस कैसा, जो पहले जैसा ही, जी से आएंगे, क्यू से होके टी के चलेंगे, यानी राइट डायरेक्शन में मूवमेंट, QGOPYSIOU, 4-3-7। अब कुछ हमें और प्रश्न करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें अभी 7 प्रश्न है, कम से कम हमें 10 प्रश्न करना है। तो अब इसके लिए आप कुछ ऐसे कॉमन सा पॉइंट देख लें कि एक लाइन में तीन और याद कर लेते हैं, किसी तीन लाइन को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सबसे आसान हमारे लिए वही रहेगा कि तीन हम और याद कर लें। तीन, अगर हम तीन से चार यहाँ से ले लें, अगर इस पॉइंट को चतुर्भुज के रूप में ले लें और इसे हम कहें कि बी से शुरू हो रहे हैं, ई से आ रहे हैं और के से जेड तक हम पहुँच जा रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए हम BEKZ हमने याद कर लिया, क्या क्या, BEKZ GOPYSIU, ये सारे कोड को आपने याद कर रखा है बिल्कुल। तो हमारे पास कितने हो गए, 7-4-11 हो गए, प्लस अगर आपको लगता है तो यहाँ से देखिए, DST यहाँ पे है, उसके बाद MGF यहाँ पे है, NLD यहाँ पे है, HMM और LKM दोनों एक जैसा लग रहा है यहाँ पे है, तो इसको आप एक बार देख ले, DST, MGF, NLD, KHM, LM। तो अब टाइम समाप्त हमारे पास होने वाला है, उसके बाद रिमोरा हम अपने मेमोरी में एक बार डाल लेते हैं। GOP एक ट्रिंगल पे बना हुआ है, YSIOU ये लास्ट वाले सारे बाहर बाहर के पार्ट है, एक अंदर वाला सर्किट है, BEKGM, KGM JTS, तो ये वाला टर्म BEKJ। तो चलिए हमारे पास टाइम समाप्त, हम चलते हैं अपने एंसर में। अब एंसर में देखिए, सबसे पहले आपको एंसर में क्या करना था कि जब से सबसे पहला पॉइंट हमारा था उसको याद कर ले। तो ये पॉइंट हमने एक याद किया था आपके सामने ही, YSIU, ये कहाँ से शुरू था, ये बाहर से ऐसे की तरफ, जहाँ में यू यहाँ पे था, यू वाला तक पहला प्रश्न आपका यू वाला ही है, तो इस वाले प्रश्न को एंसर क्या देंगे आप, बी दे देंगे आराम से। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था, वाई यहाँ से शुरू था, वाई वाला प्रश्न को आपको ढूंढ लेना है कि वाई वाले प्रश्न कहाँ है। तो वाई वाला प्रश्न देखिए, YLD 18 नंबर में है, जिसका आंसर क्या था, तो यहाँ पे सी आंसर है, तो इसका आंसर आप YLD को सी में आप डायरेक्ट रख दें। दो प्रश्न हो गए, उसके बाद हमने इसमें आई निकाला था, आई पॉइंट यहाँ था ए पे, तो आई वाला पॉइंट देख लें, आई कौन सा था, ITO था या ITP था, दोनों में था, तो ITP ये पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट हमारा आंसर ए आ जाएगा। उसके बाद एक और इसमें प्रश्न था, एस के लिए आप देखेंगे तो एस वाला कौन सा पॉइंट पे था, यहाँ पे, तो इसे हम एस में डाल दिए 1। तो ये डिफिकल्ट टेस्ट था लेकिन इसको भी हमने 4 में कर लिया, तो 4 में हमने कर लिया। एस कहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो एस वाला आप इसमें ढूंढ लें, तो एस वाला पॉइंट जहाँ आएगा उस पॉइंट को आप डायरेक्ट वहाँ पे रख लेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे आप देखें, पॉइंट XDSSHO का करके था, SHO, तो हाँ अच्छा, लास्ट 20 नंबर प्रश्न है जिसका आंसर हमारे पास ये है। तो हमने प्रश्न संख्या 1 कर लिया, 18 कर लिया, 20 कर लिया और एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया 8 नंबर कर लिया, 4 प्रश्न कर लिए। और हमने एक याद किया था, इसे यहाँ से शुरू हुए थे इस डायरेक्शन में, तो CDE पे स्टेशन था, तो सबसे पहले स्टेशन क्या क्या इसको याद किए थे, GTO, तो जी यहाँ से, टी यहाँ से, ओ यहाँ से, डायरेक्शन यही था, तो जी के लिए हम क्या बोलेंगे, जी हमारे पास यहाँ है,
वे जहाँ पे आंसर क्या है, सी है। अगर क्यू के लिए क्यू जी क्यू ओ होता, सॉरी जी क्यू ओ, तो क्यू के लिए क्या आंसर होगा, डी हो जाएगा। और पी वाला लास्ट वाला टर्म है जी ओ पी, पी के टर्म हो जाएगा हमारे पास कहाँ से देखें, ई। तो ये तीन आंसर यहाँ से, तो इसे आप देख लें, तो जी के जगह जी टी ओ के पास जाइए, जी क्यू पी था तो यहाँ पे जी के सी, क्यू का डी और ई का जहाँ पे लगा हुआ है आपका पी। तो ये तीनों आंसर आपको यहाँ पे हो गए, तो 4-3-7 हो गए। कुछ हमने अब लास्ट वाले सर्कल याद किया था जो इस वाले सर्कल को कवर कर रहा था, और यहाँ से हमने शुरू किया था, इस डायरेक्शन में गए थे। इसके लिए हमने कोड क्या रखा था, आर नहीं बी ई एक्स जेड के जेड, सॉरी एक्स जेड नहीं के जेड। तो हमारे पास बी वाला पॉइंट यहाँ था, स्टेशन का नाम कुछ बी एच से रिलेटेड था, तो इस बिंदु का नाम क्या है, सी है। तो सी आप देख ले बी वाले टर्म में, बी यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सी आएगा प्रश्न संख्या 11 में। उसके बाद ई आप देख ले, तो ई कहाँ था, बी वाले पॉइंट पे, तो ई टी ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 में बी आ जाएगा। के वाला प्रश्न देखें तो के कहाँ है इस प्रश्न में, तो प्रश्न भी अलग अलग रहता है, तो के जी ए में यहाँ 10 नंबर पे है, उसके जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। और फाइनली जो एक और याद किए थे इसमें, जेड जेड वाला पॉइंट इस डी पॉइंट पे था, जेड टी एस, तो जेड टी एस प्रश्न आप देख लें यहाँ पे 3 नंबर में है, जिसका आंसर हमारे पास डी होगा। तो देख सकते हैं प्रश्न भी अलग, क्वेश्चन भी अलग, मेमोरी का डिपेंड भी अलग, तब भी हमने 4-3-7 और 4-11 प्रश्न आराम से कर लिए। फिर भी अगर कुछ और प्रश्न हमने जो याद किया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में एल के एम था, एल के एम था बी वाले पॉइंट पे, तो एल के एम जहाँ भी है वहाँ पे आप भी प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 का आंसर बी होगा, एल के एम। उसके बाद हमने एच एम एम इस वाले पॉइंट पे याद किया था, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट कौन था, एच एम एम, तो एच एम एम जहाँ पे भी है उसे आप देख ले, 13 नंबर प्रश्न में है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 13 नंबर का सी। तो देखिए 11, 2, 13 प्रश्न हमने कर लिया, और इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते, अगर करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरी है। और एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, इसको बोलते हैं, बोले थे हमने एम जी एफ, तो एम जी एफ जहाँ भी होगा इसका पॉइंट डी होगा, तो एम जी एफ आप देखें 16 नंबर में है, इसका आंसर डी होगा। तो ये हमारे पास कुल मिला के 12-13 प्रश्न हो गए, 11, 2, 13 और 1, 14, यानी 14/20 बहुत सफिशियंट स्कोर है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो गलती होने की संभावना है, तो गलती से डरिए नहीं, बाकी वाले प्रश्न को ये भी सीढ़ी रंगना है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इस बार नेगेटिव स्कोर नहीं है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि कैसे हमने याद किया था, तो इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले हमने एक सर्कल इस टाइप के डेवलप किया, जिसमें हमें 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु, 4 पॉइंट हमें एक साथ मिल गया। दूसरा हमने इस वाले पॉइंट त्रिभुज को कर लिया, आप कहीं और से भी ले सकते हैं। तो 4-3-7 प्रश्न आ गया, यहाँ से हमने 4 ले लिया तो 11 आ गया, एक प्रश्न यहाँ याद किए, एक यहाँ पे किए 13 आ गया, और एक प्रश्न यहाँ वाला किए तो 14 आ गया। तो बहुत ईजी है, सारे प्रश्न आप नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियली है, क्योंकि मेमोरी टेस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबसे पहले मेमोरी टेस्ट में आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है। थैंक यू, धन्यवाद।